मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी चुनाव मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक जंग जीतने की होड़ में है। बीजेपी ने अगले एक साल में खुद को आधुनिक सेवाओं से जोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बूथ विस्तार को मजबूत करने के लिए संगठन ऐप का शुभारम्भ हुआ। बीजेपी का मिशन 2023 विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर उतरेगी भाजपा की फौज। 2018 में डाक ईवीएम से 3.81 करोड़ वोटर्स ने किया था मतदान। बीजेपी को 1.56 करोड़ यानी कि 41.02% मिले थे वोट। कांग्रेस को 1.55 करोड़ यानी 40.89% मिले थे वोट। कांग्रेस और 119 क्षेत्रीय दलों समेत नोटा को 2.25 करोड़ वोट। 3.78 करोड़ वोट के हिसाब से एक बूथ में 575 से 600 के बीच औसत वोटर। 28,000 पोलिंग बूथ से बीजेपी को जीत मिली। 37,000 बूथ पर बीजेपी को हार या फिर कम वोट मिले। मिशन 2023 की तैयारी में लगी बीजेपी अब अगला चुनावी रण जीतने के लिए विकास के मुद्दे पर लौटी है। तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ विस्तारक योजना बीजेपी के लिए आधार बनेगी। जहां पिछले चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं मिले थे, तो वहीं अब बूथ विस्तारक योजना में हर कार्यकर्ता की डिजिटल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीजेपी प्रदेश के 37,000 ऐसे पोलिंग बूथ पर सर्वाधिक काम करेगी। 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी 10% वोट बढ़ाने के लिए बूथ विस्तारक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत विस्तारक ऐसे लोगों से बीजेपी कार्यकर्ता संपर्क करेंगे जो भाजपा को वोट नहीं देते, और उन लोगों को भी जोड़ेंगे जो ना तो भाजपा ना ही कांग्रेस की विचारधारा के हैं। इस ऐप का नाम संगठन ऐप होगा और इसके माध्यम से हमारे जो बूथ विस्तारक योजना में 9,000 हमारे शक्ति केंद्र हैं जिनको हम ग्राम नगर केंद्र कहते हैं, वहां पर दो कार्यकर्ता जो एक बूथ की पंजी लेकर फिजिकली और एक कार्यकर्ता टेक्निकली हैंडेड हमारा जो ऐप संचालक है वो भी विस्तारक की भूमिका है। तो एक ग्राम नगर केंद्र पर दो कार्यकर्ता, ऐसे 65,000 बूथों पर 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन जाकर प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का हमारा जो संकल्प है उस अभियान में 20 तारीख से जुटेंगे। बीजेपी के इस अभियान पर अब कांग्रेस ने तीखे तेवर अपनाए हैं। कांग्रेस ने अभियान को लेकर बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस मैदानी काम करती है, कांग्रेस इस तरह के झूठे अभियान नहीं चलती। इन्होंने पहले भी सबसे ज्यादा सदस्य मध्य प्रदेश में बनाए, ये मिस्ड कॉल वाली पार्टी है, जितने इनके सदस्य हैं उतने वोट भी नहीं मिले। ये अभियान दिखावटी, झूठे और कागजों पर ही होते हैं। कांग्रेस मैदानी काम करती है, कांग्रेस इस तरह के झूठे अभियान, दिखावटी और ढोंगी वाले अभियान नहीं करती है। आप देखिए, उन्होंने पहले भी सबसे ज्यादा सदस्य मध्य प्रदेश में बनाए, सबसे बड़ी मिस्ड कॉल वाली पार्टी। अरे 2018 में जितने सदस्य उतने वोट भी इनको मिले क्या? तो यह तो इस तरह के अभियान चलाते हैं। ये अभियान सिर्फ दिखावटी होते हैं, कागजों पे होते हैं, गुमराह करने के लिए होते हैं। इन अभियानों की कोई वास्तविकता नहीं होती और बीडी शर्मा जी की कुर्सी पे भी संकट है, उसको बचाने के लिए इस तरह के अभियान चलाते रहते हैं। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी पार्टी जहां डिजिटल ऐप के माध्यम से बूथ को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं अब ये देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना असरदायक होता है। ऐप के माध्यम से बीजेपी को हारे हुए बूथ और वोट प्रतिशत बढ़ाने में कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भोपाल से अनादि टीवी के लिए कैमरामैन मनीष पावसे के साथ दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।